न्यायालय निषिद्ध कर बंदर भय पुनर उकालती प्रधानमंत्री कलाधन नियंत्रण हेनो अना इलेक्टोरल बंद उच्चतम न्यायालय अवैध घोषणा कर बंदक लुख खुली से मोदी इलेक्टोरल बंद निषिद्ध हर अनुशोचना एदिन सकुए उच्चतम न्यायालय अवैध घोषणा कर बंदक लुख खुली से प्रधानमंत्री निषिद्ध घोषणा कर बंद आँचन पक्ष उकालती कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दावी इलेक्टोरल बंद निषिद्ध करार फलत अनुशोचना एदिन सकुए कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया कैसे दिया कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं सुधारते हैं। राजनैतिक दलर चांदा संग्रह गोपन माध्यम आसिल इलेक्टोरल बॉन्ड বিজেপি সরকারে প্রবর্তন করা ইলেকটোরাল বন্ডক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিতর্কর সৃষ্টি হৈ আহিছিল, কারণ ইলেকটোরাল বন্ডৰ জৰিয়তে কোনে কাক কেতিয়া কিমান টকাৰ চান্দা প্ৰদান কৰিছে তাৰ তথ্য হোৱা নাছিল ৰাজহুৱা। শেহতীয়াকৈ নাগৰিকৰ তথ্য জনাৰ অধিকাৰ ভংগৰ দোহাই দি ইলেকটোরাল বন্ড আঁচনিক অসাংবিধানিক ঘোষণা কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। সেই সন্দৰ্ভতেই দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত মুখ খুলিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আমাৰ চুনাৱক কেনে মুক্তি মিলে, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है रास्ता। हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट फुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। এ আইনেৰে হোৱা এক সাক্ষাৎকালত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ইলেক্টৰেল বন্ড আঁচনিৰ লক্ষ্য আছিল নিৰ্বাচনত কলাধনৰ ব্যৱহাৰ প্ৰতিৰোধ কৰা। নির্বাচনত কলাধনের ব্যবহার এক ভয়ঙ্কর খেলা, নির্বাচনত সকলে ধন খরচ করে, মূর দলেও নির্বাচনত ধন খরচ করে, কিন্তু আমি নির্বাচনত কলাধনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস করেছিল। মই নকও যে এটা সিদ্ধান্তত কোনো ত্রুটি না থাকিব, কিন্তু বিরোধী ইলেকটোরাল বন্ডক লৈ ভুয়া প্রচার চলাইছে কি চুনাও মে কালা ধন কি বহুত বড়া খতরনাক খেল হো রহা হ্যায়। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है, चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती हैं, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था, रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है रास्ता। हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट फुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। উল্লেখ্য যে ইলেক্টোরাল বন্ড আঁচনিৰ জৰিয়তে চান্দা দিয়া ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম গোপন হৈ ৰয়। কোন ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা কোন ৰাজনৈতিক দলে চান্দা লাভ কৰিছে তাৰ তথ্যও ৰাজহুৱা নহয়। সেইবাবেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইলেক্টোরাল বন্ড আঁচনিক অসাংবিধানিক ঘোষণা কৰে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যুক্তি, ইলেক্টোরাল বন্ডৰ জৰিয়তে চান্দাৰ পথ জানিব পৰা গৈছিল, ইলেক্টোরাল বন্ডৰ মাধ্যমত কোন প্ৰতিষ্ঠানে ধন দিছে আৰু কাক দিছে সেই কথা জানিব পাৰি। কিন্তু আজি আমাৰ দেশখনক সম্পূৰ্ণৰূপে কলাধনৰ দিশে ঠেলি দিয়া হৈছে। মই কম তাৰ বাবে এদিন সকলোৱে অনুশোচনা কৰিব। ইলেক্টোরাল বন্ড ন হতে তো কিছ ব্যৱস্থা মে তাকত হে গো ঢুঁড কে নিকালতে কি পইচা কহাঁ সে আৰু কহাঁ গয়া। ইয়ে তো ইলেক্টোরাল বন্ড কি সাকসেছ ষ্টৰী হে কি ইলেক্টোরাল বন্ড থে तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया कैसे दिया कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं सुधारते हैं। इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है, लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है, और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे। जब बात में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है।
कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं, उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्यवाही हुई है। উল্লেখ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছত ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই দাখিল কৰা ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডৰ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছিল চাঞ্চল্যকৰ কাহিনী। কাৰণ এই তথ্য অনুসৰি CBI ইডিৰ দৰে সংস্থাৰ অভিযানৰ সন্মুখীন হোৱা বহু প্ৰতিষ্ঠানে ৰাজনৈতিক দলক প্ৰদান কৰিছিল চান্দা। লক্ষণীয়ভাৱে বণ্ডৰ মাধ্যমত সৰ্বাধিক চান্দাও লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।